हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल पे। तो गर्मी के माहौल में इस समय ब्लॉगर्स भी बहुत गर्म आए हुए हैं। मैंने आज वीडियो देखी थी सरोज भाभी की, मैंने सोचा आराम से इस पे बैठ के शाम तक एक वीडियो शूट करूँगी, लेकिन उसके बाद सरोज भाभी का जवाब देते हुए मुँह तोड़ जवाब के साथ विद बॉक्सिंग पंचेज आया जवाब सुनीता दीदी का। फिर मैंने सोचा कि चलो दोनों का लमसम होके एक साथ शाम को शूट करूँगी। जैसे ही मैं शूटिंग के लिए रेडी होके जा रही थी, इतनी देर में देखा कि वापस से जवाब आता है, वहाँ से किसका, सरोज भाभी का। और मैं देख के बिल्कुल शॉक थी, मैं वाकई में देख के बिल्कुल शॉक थी कि आखिर में इन लोगों को हो क्या गया है। मतलब मैंने ऐसी लड़ाई आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि वीडियो तो सिर्फ एक ज़रिया है, ये लोग आपस में एक दूसरे को बस फ़ोन से ही निकल के, वीडियो के अंदर से ही निकल के बस अब मारा पिट्टी तक पहुंच जाएंगे। इस हद तक, इस गंदे लेवल की लड़ाई इन्होंने आज सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से खेली। जहाँ पर हम हमेशा सरोज भाभी को समझदार समझते थे, सहनशील समझते थे, लेकिन इन्होंने तो अपना पूरा नेचर, पूरा बिहेवियर, पूरा व्यवहार, सब कुछ बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब शुरुआत ये हुई थी कल की वीडियो से, जब सरोज भाभी ने अपने पति की ब्लैक लिस्ट वाली बात का जवाब दिया था। लेकिन उस ब्लैक लिस्ट वाली बात के साथ, जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने परिवार को, खानदान को, माहौल को ड्रैग करा, जिसके जवाब में वहाँ से सुनीता दीदी ने वीडियो बनाई, क्योंकि उनकी बेटी भी उस माहौल का हिस्सा रह चुकी थी, उनकी बेटी भी एक सवा साल तक वहाँ पे रह के आ चुकी थी। तो मैंने बोला ना कि जिसके लिए जो टोंट होता है ना, हमें शायद समझ में ना आए, लेकिन सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे लिए भी बोला गया है। तो सुनीता दीदी ने वहाँ से जवाब दिया था इस बारे में कि कोई घर का माहौल नहीं है, हमारे बच्चे भी वहाँ पर रह के आए हैं, इनफैक्ट तेरे भी तो बच्चे वहाँ पर रहे थे, तो आज वो माहौल याद आ रहा है। लेकिन उसके जवाब में आज सरोज भाभी का वीडियो आया, जिस वीडियो में उन्होंने फ्लो में बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें बोली जो उन्हें शायद ऑन कैमरा नहीं बोलनी चाहिए थी। अब हमेशा से इनका ये रहा है, पहले कालू भैया की आड़ में बहुत सारी पर्सनल बातें निकल के सामने आती थी, जिस पे ये एज अ वाइफ उन्हें रोक सकती थी, चाहे वो सपना का मैटर हो, चाहे वो घर में पूरा सुनीता दीदी का पास्ट लेके आने वाला मैटर हो, तब भी ये रोक सकती थी, लेकिन तब भी नहीं रोका गया। रिकॉर्डिंग के समय नहीं रोका गया, वीडियो शूट करते हुए नहीं रोका गया। इनफैक्ट उस समय शी वॉज ओके कि ठीक है, मेरे पे कोई नाम नहीं आएगा, क्योंकि कालू ये सब कुछ कर रहा है। और जाहिर सी बात है, हो सकता है कालू ने ही सब कुछ करा हो, है ना, लेकिन ये बीवी होने के नाते रोक सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, वीडियो डिलीट कर सकती थी, यहाँ वहाँ, मतलब इतना सीधा तो अब कोई भी नहीं है ना जिसने ज़िंदगी में इतनी मेहनत कर ली हो। तो उसके बाद इन्होंने जब कल वीडियो बनाई थी, यानी कि जो जवाब दिया, तो जो जवाब में वीडियो बनाई थी सरोज भाभी ने, वो अगेन वो अपने ट्रैक से बिल्कुल डिफरेंट चली गई। जहाँ पे उन्होंने ब्लैकलिस्ट वाली बात और पॉइंट टू पॉइंट जो बातें सरोज भाभी ने अपनी वीडियो में बोली थी, सुनीता दीदी ने वही बातें जस्टिफाई करी थी अपने व्लॉग में। लेकिन जो सरोज भाभी का व्लॉग आया, उसमें वो हमेशा कुछ ना कुछ परिवार की पोल पट्टी खोल रही हैं, वो बातें बोल रही हैं जो सोशल मीडिया पे अभी तक आई ही नहीं, उन बातों के बारे में बात कर रही हैं। जैसे उन्होंने बहुत सारी ऐसी पिंचिंग बातें बोली, अब उन्होंने उनके पास्ट को लेके कुछ बातें बोली, उनके एक्स हस्बैंड को लेके कुछ बातें बोली कि वो तो सेटल करने के लिए आया था, वापस से माफ़ी मांगने के लिए आया था, ये करने के लिए आया था, वो करने के लिए आया था, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने आज दिन वाली वीडियो में बोली, जिन बातों के जवाब देने के लिए वहाँ से सुनीता दीदी ने वीडियो बनाई। क्योंकि फ्लो में ना इस समय आप सरोज भाभी का चेहरा और उनकी ज़ुबान देखिए, और शायद यही इनका रियल नेचर भी है जो आज गुस्से में पूरी ऑडियंस को देखने को मिला। तो इसका मतलब सपना भी सही नहीं बोल, इसका मतलब सपना भी सच बोलती थी कि इनसे बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बात करने से ज़्यादा लड़ने को उतारू हो जाती हैं। इनसे कोई अगर बात करने के लिए फ़ोन करे तो ये सिर्फ लड़ने लग जाती हैं और बहुत सारी ऐसी बातें बोलती हैं। ये एग्जांपल हमने खुद आज देख लिया। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि सरोज भाभी गलत है या सही है, मैं इस समय पर वो बात कर रही हूँ कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया है और आपका व्लॉगिंग चैनल है, आपके घर के लड़ाई झगड़े वाला या पंचायत लगाने वाला या एक दूसरे को नीचे गिराने वाला काम यहाँ पर नहीं होगा। ये आप ऑफ कैमरा कर सकते हो, हर चीज़ ऑडियंस को, हर चीज़ वीडियो पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
तो वहाँ पे जब इन्होंने ये सब चीज़ें बोला तो सुनीता दीदी को भी ये चीज़ें बुरी लगी, क्योंकि सुनीता दीदी के पास से रिलेटेड चीज़ें बोली, उनकी बेटी से रिलेटेड चीज़ें बोली कि अपने बच्चों की सगी नहीं है, अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है, मतलब बहुत कुछ बोला अदर देन द टॉपिक। जो टॉपिक का उन्होंने जवाब दिया था तो उस टॉपिक पे ना रह के ये हमेशा से यही कर रही हैं कि किसी टॉपिक का शुरू करती हैं लेकिन उसमें सबको लपेट लेती हैं। अब कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं पर कुछ लोग लेके बैठ जाते हैं, तो उसके जवाब में सुनीता दीदी ने भी एक क्वेश्चन आज इन पे खड़ा कर दिया, मेरे तो कच्चे चिट्ठे तुमने सामने ला के रख ही दिए, मेरी बेटी को तुमने बोल दिया कि तुम बच्चों की सगी नहीं हो, तुम इनकी सगी नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है। तो सुनीता दीदी ने बोला कि तुम कौन सा सती सावित्री हो, जो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगा। अभी तक मुझे ये पता था कि इनके परिवार में हर किसी का एक पास्ट है, एक कड़वा पास्ट है, एक गंदा पास्ट है, लेकिन इस बारे में आइडिया नहीं था मुझे बिल्कुल भी कि सरोज भाभी से रिलेटेड भी क्या कोई पास्ट है, क्योंकि कितना भी झगड़ा हो गया, कितना भी लड़ाई हो गया, कभी सरोज भाभी के पास्ट को लेके कुछ बात ही नहीं हुई। अभी तक बहनों ने, नंदों ने इस बारे में कोई बात ही नहीं की थी, लेकिन जैसे ही आज सुनीता दीदी के मुँह से सुना कि ये कौन सा सती सावित्री है, इनका भी तो कुछ पास्ट है, साथ ही साथ तनु पे लगाए हुए चोरी के सारे इल्ज़ामों को कवर करते हुए उन्होंने बोला कि तनु को चोर बोला गया था तो तुम्हारे खुद के बच्चे क्या हैं क्या नहीं है ये तो पूरा हांसी जानता है, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी सब जानते हैं कि तुम्हारे बच्चे कितना चोरी चकारी करते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने भी इनकी फैमिली से रिलेटेड बताई जो अभी तक ऑन कैमरा नहीं थी, और वो भी इनके वीडियो के जवाब में, क्योंकि इन्होंने वीडियो में बच्चों को ड्रैग किया, इन्होंने वीडियो में बच्चों के लिए बोला, बच्चों पे बात करी कि जो माता पिता को प्यार नहीं करते या जो बच्चों को प्यार नहीं करते, जो अपने बच्चों को छोड़ के चले गया था, तो उसके जवाब में सुनीता दीदी ने वहाँ से बोला। लेकिन फिर भी जिस लहजे में सुनीता दीदी ने बोला उसके जवाब में जब मैंने अभी सरोज भाभी का वीडियो सुना, मैं हैरान हो गई। मतलब मैंने ये रूप कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये रूप मैंने कभी देखा ही नहीं था। फिर मुझे समझ में आया कि क्यों इनसे फ़ोन पे बात कोई करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वाकई में इन्हें बात करना आता ही नहीं है। इन्होंने फ़ोन पे जो बातें करी वो भी इन्होंने रिकॉर्डिंग में दिखाई कि ये फ़ोन पे कैसे बात करती हैं। इन्होंने आज वीडियो में ये निकला, इनका पूरा फ्रस्ट्रेशन आज वीडियो में निकला, जहाँ पे ये लड़ने को तैयार है, झगड़ने को तैयार है, घर का तमाशा बनाने को तैयार है। क्या घर की बहू ऐसी होती हैं? एक बात मुझे बताइए, इस समय ठीक है बहुत सारी जनता की सिंपैथी है सरोज भाभी के साथ, लेकिन झगड़ा तो सरोज भाभी और कालू भैया का था ना, तो परिवार के बाकी लोगों की इज्जत के साथ खलवाड़ करने का सरोज भाभी को तो कोई हक नहीं है कि वो अपनी हर बात में परिवार के लोगों को टोंट मारती है, परिवार के लोगों को ख़राब करती है। ऑलरेडी इस बारे में इनका पति कर चुके हैं बहुत कुछ, सपना के बारे में, सपना की बेटी के बारे में, फिर दूसरी बहन के पास्ट के बारे में, तो आज जब इनके पास्ट का जिक्र छेड़ा, इनके पास्ट का सिर्फ उन्होंने हिंट दिया, एग्जैक्टली बताया भी नहीं कि इनका पास्ट है क्या, बस एक सवाल किया कि क्या तुम सती सावित्री हो, सिर्फ ये सवाल किया, और उस सवाल का जवाब और उस सवाल में जो तिलमिलाया हुआ वीडियो भी सरोज भाभी का आया, जिसे देख के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, मतलब क्या युद्ध का मैदान बना दिया है। सारी डिग्निटी, इज्जत, कुछ भी इन्होंने बाकी नहीं रखी। क्या ऐसे लोगों को सोशल मीडिया में रहने का हक है? सोशल मीडिया का चैनल इन लोगों को बना के दिया था ताकि इन लोगों के घर की दो रोज़ी रोटी चलती रहे, इनको एक आमदनी मिलती रहे, इनका एक काम चलता रहे, लेकिन उन्होंने जो इस्तेमाल किया है इस वक्त सोशल मीडिया का, अपने व्लॉगिंग चैनल का, वो इस्तेमाल देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे लोगों के हाथ में तो कभी कैमरा आना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को तो कभी व्लॉगिंग क्या, कभी यूट्यूब दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो उसके बाद गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं, जैसे कि इन्होंने अभी किया। इतना कुछ इन्होंने अभी वीडियो में बोला, पायल को क्या, अरमान को क्या, अपने मतलब मरे हुए स्वर्गवासी सास ससुर को तक बीच में घसीटा जा रहा है, सेवा 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 सेवा, इतनी बार वो सेवा गिनवा दी, जो इंसान जो करता है उस इंसान को कभी वो चीज़ें गिनवानी नहीं चाहिए, और अगर सेवा करी थी तो वो अपने कर्म के लिए करी थी, लेकिन हर बार ये बोला जाता है मुझे 16-17 साल हो गए, मैंने इतनी सेवा करी, मैंने इतना सेवा पानी किया, मैंने इतना सेवा पानी किया, क्या फ़ायदा है ऐसे सेवा पानी का जो आप सारा दिन हर वीडियो में सोशल मीडिया के आगे गाते ही रहते हो, उस सेवा पानी का क्या फ़ायदा कि आप गाते रहते हो जिस सेवा पानी को, और आज उस सेवा पानी को प्रूफ करने के चक्कर में युद्ध छिड़ गया है कि आओ तुम भी यहाँ आओ, मैं भी यहाँ आती हूँ, मैं भी प्रूफ करती हूँ, तुम भी प्रूफ करो, और बहुत सारी बातें कैरेक्टर को लेके हुई जो कि नहीं होनी चाहिए।
अगर पास्ट उनका बुरा है तो अभी तक तो उन्होंने इनके पास्ट का कुछ भी बताया ही नहीं, और इन्होंने जो चीज़ें बता दी हैं वो सामने वाले को बिल्कुल समझ में आई हैं कि इन्होंने जो 500 रुपए की बात करी है, जो इन्होंने अलग अलग चीज़ों की बात करी है, और तो और इन्होंने ये भी बोल दिया कि उनका डाइवोर्स तक नहीं हुआ है, बिना तलाक लिए हुए बैठी हुई हैं, उनकी शादी को तक इनवैलिड इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि बिना तलाक लिए हुए बैठी हुई है। मैं बिल्कुल हैरान हो गई ये चीज़ें देख के कि इतना तो कोई झगड़ा अपने दुश्मन से भी नहीं करता। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग गांव से होंगे या जिन्होंने गांव में झगड़े देखे होंगे, बट मेरे लिए इस लेवल के झगड़े बिल्कुल न्यू हैं। मैंने इस लेवल का झगड़ा औरतों को करते हुए देखा ही नहीं, जहाँ पर औरतें इस तरीके की बातें करती हैं, एक दूसरे के चरित्र को उछालने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे के चरित्र की धज्जियाँ उड़ाने पे लगे हुए हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि वो उस घर की बेटी है और ये उस घर की भाभी है, इनको इस चीज़ की भी शर्म नहीं है। उसके बाद एक कॉल पे ये बात कर रही थी, एक्चुअली मुझे इनकी भाषा समझने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अब कॉल पे बात ये कालू भैया से कर रही थी या कॉल पे बात ये सुनीता दीदी से कर रही थी मुझे समझ में नहीं आया, पर जिससे भी कर रही थी बहुत गंदे लहजे में बात कर रही थी, फुल धमकी फुल दादागिरी में कि मैं इसको भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करूँगी, मैं इसको भी दिखाऊँगी, अभी मेरा कैमरा ऑन है, मैं सब कुछ वीडियो में दिखाऊँगी। मतलब आप समझ सकते हो कि बर्बाद करने की बिल्कुल ठान ली है इन्होंने, और सिर्फ किसकी गलती की वजह से, अपने पति की, अपने पति की गलती की वजह से, क्योंकि इन्हें उनके साथ नहीं रहना था, ये अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के आई, और अब ये कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जब भी जाऊँ मुझे तुम में से कोई रोक नहीं सकता। मतलब दादागिरी दिखाने की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। अब बताएं कि कैसे कोई इन पर सिंपैथी करे, सिंपैथी उस इंसान पर की जाती है जो बर्दाश्त कर रहा हो, लेकिन इनका नेचर देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कुछ बर्दाश्त कर रही होंगी। इनफैक्ट इनका नेचर देख के तो ये लग रहा है कि ये तो सबको डरा धमका के रख रही होंगी कि मैं तेरा ये बता दूंगी, मैं तेरा वो बता दूंगी, मुझे ज़्यादा मत बोलना, ज़्यादा मत छेड़ना। मतलब बिल्कुल एक अनदर जोन पे ही आ गई हैं। अरे बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि उनकी जगह रह के देखो वो कितना सफ़र कर रही है। अरे आर होता है या पार होता है, अगर रिलेशनशिप इतने टॉक्सिक है और तुम्हें उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है तो सीधा अलग हो जाओ ना। जैसे इनकी नंदी हुई हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, अलग हो गई ना, उसके बाद अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन ये घर छोड़ के चली भी गई हैं, उसके बाद इन्हें ये भी है कि मेरा हस्बैंड वहाँ पे क्यों रह रहा है, शिकायतें भी खुद कर रही हैं, खुद बोल रही हैं कि अपने भाई को अपने पास ही रखो, खुद उनसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि बच्चों का रिजल्ट नहीं पूछा, यहाँ आ नहीं रहे, वहाँ जा नहीं रहे, वहाँ मैं जाऊँगी नहीं, उसके अलावा कहीं भी ले जाओ। तो आखिर में ये चाहती क्या है, रिश्ते में रहना भी चाहती हैं या रिश्ते में रहना भी नहीं चाहती हैं? मतलब ये तो वही बात होगी, चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो वो आर पार करेगा, डिसीजन लेगा कि मुझे साथ नहीं रहना, नहीं रहना तो फिर किसी के बारे में बात ही नहीं करना, ना रहने के लिए तो फिर आपको कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ेगा ना। सोशल मीडिया तो आपको यहाँ पे बैठ के जस्टिस नहीं दिलाएगा, या सोशल मीडिया तो आपको यहाँ पे बैठ के तलाक नहीं दिलाएगा, या कुछ भी नहीं करेगा। या तो आर करो या तो पार करो, लेकिन रोज़ की बेइज्जती जो करवा रहे हो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। मतलब ये है कि मैम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। और हम डूबेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पति में प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी वजह से हम पूरे ख़ानदान को डूबाएंगे, क्योंकि मेरे पति की जिम्मेदारी और मेरे परिवार की जिम्मेदारी पूरे ख़ानदान की है। भैया आपके मम्मी पापा ने लड़के से शादी करी थी कि लड़के के पूरे ख़ानदान से शादी करी थी? लड़के से शादी करी थी ना। और लड़का अगर गलत है तो उसमें ख़ानदान वालों को बार बार घसीटने का क्या मतलब है? ना तो बहनें तुमसे कुछ ले रही, ना कोई और परिवार का तुमसे कुछ ले रहा। लेकिन मुझे आज का इनका एटीट्यूड और आज का इनका रूप देख के बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा कि मतलब किस लड़ाकू नेचर की ये हैं। एक इंसान जो परेशान होता है, इतना ज़्यादा लड़ना है तो अपने हक़ के लिए लड़ो, इतना ज़्यादा लड़ना है तो अपने बच्चों के लिए लड़ो। आज इनके बच्चों को चोर बोला, जबकि चोर एग्जैक्टली बोला भी नहीं, तो इनको कितना ज़्यादा तिलमिलाहट हुई। एक माँ का दिल कितनी तेज़, समझ रहे हो आप, वो हुआ कि उन्होंने सेकंडों में आके जो ऐसी तैसी करी है, जो रूप अपना दिखाया है, शक्ल रूप आवाज़ धमकियाँ, मतलब क्या क्या नहीं करा। सोचिए कि उस समय सपना के दिल पे क्या गुजरी होगी जब सपना के लिए ये सब चीज़ें बोली गई थी, जबकि उस समय पे कोई कॉन्ट्रोवर्सी लड़ाई झगड़ा भी नहीं इतना चल रहा था। जब सपना की बेटी को चोर बोला गया था, प्रॉपर चोर पूरे YouTube के सामने, तब उसको कैसा फील हुआ होगा? और आज इनके बेटे को बोला तो आज इनको इतना बुरा लगा कि ये बिल्कुल रिवेंज मोड पे आ गई कि इन्होंने उसके बदले पूरे ख़ानदान को बीच में ड्रैग कर लिया। पायल ने सेवा नहीं करी, अरमान ने सेवा नहीं करी, उन्होंने सेवा नहीं करी तो वो कभी बोलते नहीं है कि हमने सेवा करी, वो उन्होंने आज तक बोला ही नहीं कि हमने सेवा करी। लेकिन आपने इतना गिनवा दिया तो आपकी सेवा का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ।
कि आपने क्या ऐसी सेवा करी जिस सेवा को आप हर दूसरे दिन गिनाते हो कि मैंने इतनी सेवा करी, हर दूसरे दिन गिनाते हो। और उस समय तो व्लॉगिंग थी भी नहीं, एक्चुअली ऑडियंस को नहीं पता, वो तो आपके मुंह से सुन रहे हैं कि आपने सेवा करी या नहीं करी है। अब जिस हिसाब का नेचर हमें समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि इन्होंने कुछ सेवा ऐसा इतनी की होगी जितना इन्होंने सेवा गाया है, क्योंकि ये किसी से कोई इस बात का विटनेस नहीं है कि इन्होंने वाकई में इतना कुछ किया है, कि करने वाला इंसान कभी गिनवाता नहीं है, लेकिन इन्होंने गिनवाया है। जो इंसान को 2 मिनट नहीं लगे किसी के कैरेक्टर पे बात करने के लिए, जिस इंसान को 2 मिनट नहीं लगे किसी के घर के माहौल को पिंच करने के लिए, अपने पति के चरित्र पे बात करने के लिए, अपनी बेटी के लिए ऐसी बातें बोलने के लिए, आप सोचिए ना कि वो इंसान किस लेवल तक बोल सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों को ना यहीं पर रोकना चाहिए, स्ट्रिक्टली रोकना चाहिए, क्योंकि ये इस समय बिल्कुल आज़ाद हो रखे हैं। मैं बोलूँगी जब तक ये लोग अरमान के उसमें थे, इन्हें पता होता था कि सोशल मीडिया पे कितनी बात बोलनी है कितनी नहीं बोलनी है। अब तो इन लोगों को किसी चीज़ का डर बोलिए रिस्पेक्ट भी नहीं रह गई है कि ये सब चीज़ें करके ये लोग अपनी रिस्पेक्ट गंवा रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट गंवा रहे हैं। और जिस परिवार का ये हिस्सा है उस परिवार को गंवा रहे हैं। रिश्ता नहीं पसंद तो ऑफ कैमरा उस रिश्ते को तोड़ दो, मत रहो उस रिश्ते में, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। जिस तरीके से घर अपनी मर्ज़ी से छोड़ के आई थी, इसी तरीके से रिश्ता तोड़ दो। लेकिन रिश्ता पता नहीं रिश्ता तोड़ना है नहीं तोड़ना, लेकिन घर के पूरे सदस्यों को तोड़ना इनका मोटिव हो गया है। इन्होंने भी तो इजी टारगेट ले लिया है, इनका भी तो इजी टारगेट है कि बहनों को पकड़ो, नंदों को पकड़ो। जैसे अगर ये नंदों के लिए बोलती हैं कि उन्होंने ऊपर तक नहीं बोला, लेकिन फिर भी जब सुनीता दीदी पे बात आई थी तो उन्होंने अरमान के लिए भी बहुत बोला था। सपना पे बात आई थी तो सपना ने भी पायल, अरमान सबके लिए बहुत बोला था। लेकिन ये क्या कर रही हैं, इनडायरेक्टली सब कुछ बोल भी देती हैं और फिर बोल देती कि मैंने तो किसी के लिए कुछ बोला ही नहीं, और बोल भी देती हैं। कम से कम उन्होंने बोला तो मुंह पर बोला, पर ये जो कर रही हैं ये बहुत ख़राब हरकत कर रही हैं। ये भी इस समय इजी टारगेट ढूंढ रही हैं, क्योंकि इन्हें जिस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है वो रोज़ इनकी वीडियो में दिख रही है। अभी जो ये 3-4 दिन शांत थी, आज इन्होंने वो सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। जो बातें ज़रूरी भी नहीं थी, जो बातें नहीं भी बोलनी चाहिए थी, वो सारी बातें इन्होंने बोल दी, और वो पिंच करने वाली बातें बोली सुनीता दीदी को, जिसकी वजह से उनका भी रिएक्शन आया। तो भैया ये तो बहुत अनदर लेवल की चीज़ होगी। मुझे नहीं पता इस चीज़ में मुझे किसको सपोर्ट करना चाहिए किसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को लेके मैं खुद लॉस्ट हूँ कि मैं सरोज भाभी को सपोर्ट करूँ, उनके साथ सिंपैथी दिखाऊँ, लेकिन उन्हें देख के मुझे नहीं लगता कि उन्हें सिंपैथी की ज़रूरत है। वो तो अपने आप में सफिशिएंट है बाबा, किसी को डांटने में, किसी को डराने में, धमकाने में, लड़ने में, मारने में वो सफिशिएंट है। मुझे लगता है उन्हें किसी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ये हो क्या रहा है, और जिस कदर ये हो रहा है इस चीज़ में सिंपैथी किसको दोगे आप? आपको लगता है कि कोई भी सिंपैथी के लायक है? बिकॉज एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक, एक अगर 1% इज्जत उतारेगा तो दूसरा 100% उतार देगा इज्जत। और इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि इज्जत इनके खुद के परिवार की उतर रही है, इनके खुद के बच्चों का भविष्य दांव पे लगा है। सबके घर में बेटियां हैं, सबके घर में बेटे हैं, एक दूसरे को चोर बोलना, एक दूसरे के चरित्र पे बात करना, क्या हो रहा है? मतलब ये भूल गए हैं कि सबके घर में जवान बच्चे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान कर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो। अपने अंदर जो इतना गुस्सा एक दूसरे को लेके है वो देख के तो पता चल रहा है कि प्यार तो 1% भी नहीं है, 1% भी प्यार नहीं है, और है तो सिर्फ जहर। इतना जहर कि एक मौका मिलना था, आज वो मौका मिला। वीडियो बन रही है, फ़ोन वीडियो बन रही है, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगी, वीडियो में सब दिखेगा, सारी लड़ाई सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी। इनकी बेटी का मैटर क्यों ड्रैग किया गया, जबकि बेटी का पैचअप जैसे तैसे भी था, सोशल मीडिया से ख़त्म कर दिया था, माँ बेटी का उनका पैचअप दिखा दिया था। तो इन्होंने पैचअप की और माँ बेटी के रिश्ते की बात करी सरोज भाभी ने, वो बात उछाली, वो बात करी, जिसकी वजह से वहाँ से रिएक्शन आया। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।